उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूंक रोष जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता जानबूझकर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पद्मावत फिल्म के जो निर्माता है संजय लीला भंसाली, उसका हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया गया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस पिक्चर में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं हमारे, उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। और जब ये पिक्चर बना रहे थे चित्तौड़ के अंदर, तब करनी सेना के द्वारा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इनको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इससे हिंदू धर्म की आत्मा बड़ी आहत होने वाली है, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है अगर कोई हमारे धर्म पर पिक्चर बनाएगा। हम आज चेतावनी देते हैं, हिंदू रक्षा सेना चेतावनी देती है फिल्म निर्माताओं को, जितने भी फिल्म बनाने वाले निर्माता हैं, कि आगे से इस तरह की कोई भी पिक्चर जो हिंदू धर्म की आत्मा को आहत करती हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जैसे ही एक और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने देश के पीएम की तुलना मोगेम्बो से की, तो वहीं दूसरी ओर अपने नेता के पक्ष में उतर भाजपा महिला मोर्चा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और कांग्रेस के इस बयान पर कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा मंजू पाठक ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने इस बयान पर जल्द ही माफी नहीं मांगी तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की आवाम ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के दो थानों को विशेष थानों में चयनित किए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार और पुलिस विभाग भी इन दोनों थानों को आने वाले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने जा रही है। लिहाजा उत्तराखंड पुलिस के लिए यह गर्व की बात है कि टॉप 10 थानों में इस बार उत्तराखंड के दो थानों ने भी जगह बनाई है। इस बार देश के 15,039 थानों में उत्तराखंड के दो थानों ने टॉप 10 सूची में जगह बनाई है, जिसमें से 6वें नंबर पर नैनीताल का वनबुलपुर थाना रहा और 8वें नंबर पर देहरादून जिले की ऋषिकेश कोतवाली रही। हम साल में दो बार करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे अभी चयनित हुए हैं दो थाने, उनको तो माननीय राज्यपाल महोदय से पुरस्कृत करा जाए। और जो पुनः हम जो जैसे हमने कहा कि ये यहाँ की जो प्रक्रिया कर रहे हैं 6 महीने की, उसमें 20,000 रुपये का अवार्ड डीजीपी महोदय द्वारा दिया जाएगा। और फिर 15 अगस्त को जो बेस्ट थाना साल भर के डाटा बेस सेलेक्ट होगा, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को पुरस्कृत किया जाए। देख रही है क्राइम स्टोरी।